ओके जी, तो इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वीलुकअप फार्मूला इन एमएस एक्सेल। तो हमारे पास वीलुकअप फार्मूले का काम क्या होता है? देखें, इसका नाम है लुकअप। लुकअप का मकसद है कोई चीज फाइंड करना, ढूंढना, सही है। और मैं चाहता हूं अगर कोई चीज, इसे आप कंट्रोल एफ करके भी ढूंढ सकते हो ना, कोई चीज फाइंड करते हो, लेकिन उसका मकसद है उस वैल्यू तक जाना। ऐसे ही होता है ना कि कंट्रोल एफ करो तो उस सेल पे आपका कर्सर जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मैं यहां पे वो नाम या उस तरह की चीज लिखूं तो उसकी जो रिमेनिंग वैल्यूज है, सपोज ये हनान में ढूंढता हूं तो हनान के ये जो रिकॉर्ड में से कोई भी वैल्यू, रिकॉर्ड में से कोई भी वैल्यू मुझे अगर दिखानी हो या सारी वैल्यूज दिखानी हो तो क्या आ जाए, वो यहां पे नीचे मुझे शो हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, तो कल को फॉर एग्जांपल आपकी 2000 रिकॉर्ड्स आपने लिखी हैं, एंटी टेस्ट के मार्क्स देखने हैं, बच्चों ने एंटी टेस्ट दिया है ना, तो वो पूरे के पूरे आपने एक्सेल शीट के अंदर लिख दिए हैं, एंट्री कर दी है। अब आपको एक एक बच्चे ढूंढना हो, आप चाहते हैं यहां नाम लिखें तो उस बच्चे ने कितने नंबर लिए, उसकी कितनी परसेंटेज थी, उसका फादर का नाम क्या है, वो सारी की सारी डिटेल्स एज इट इज यहां मुझे शो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये करने के लिए हमारा लुकअप फार्मूला बहुत काम का होता है। अब लुकअप तीन तरह के होते हैं, एक होता है वी लुकअप, एक होता है एच लुकअप और एक होता है खाली लुकअप, सही। अब वी लुकअप का मकसद है वर्टिकली लुकअप, यानी कॉलम्स के हिसाब से सर्चिंग करना। किसके हिसाब से? कॉलम्स के हिसाब से, ठीक है। जैसे अभी मैं एक कॉलम की वैल्यू दे रहा हूं तो बाकी कॉलम में से जो वैल्यू आप दिखाना चाहेंगे वो नीचे आपको दिखा देगा। कौन से क्लियर हो गया? ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ इसकी परसेंटेज मालूम कर रहा था, आप चाहें तो उसकी कोई और चीजें लाइक ऑब्टेन नंबर्स अगर आपको देखने हैं, सब्जेक्ट फाइव के नंबर देखने हैं, सब्जेक्ट फोर या चारों सब्जेक्ट के नंबर आपको देखने हैं, तो वन बाय वन आप लुकअप फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब वीलुकअप फार्मूले को अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है क्या, सही है। मैं चाहता हूं ये जो नाम यहां लिखा है यहां पे, यानी इस सेल के अंदर मैं कोई भी नाम लिखूंगा और मैं यहां पे जो भी नाम लिखूं उसकी जाके परसेंटेज कहां से ढूंढ के लाए, यहां से ढूंढ के लाए। कौन से क्लियर हो गया? यहां से मुझे उसकी परसेंटेज ढूंढ के बता दे कि उस स्टूडेंट की कितनी परसेंटेज। कौन से क्लियर है? तो मैं यहां पे आके जहां वैल्यू दिखानी है, आउटपुट दिखाना है, यहां दिखाना है ना परसेंटेज की जगह पे, तो मैं यहां पे आके इज इक्वल टू की सिंबल लगाऊंगा और लिखूंगा वी लुक अप, है ना, कि वर्टिकली लुकअप करो कॉलम्स के हिसाब से। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे लुकअप वैल्यू बताएं, यानी ढूंढना क्या है, ठीक है। तो मैं इसको कहूंगा यहां पे इस सेल के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो तुम्हें ढूंढना है ना, यहां में मैं क्या लिखूंगा, जो भी लिखूंगा वो तुम्हें ढूंढना है। मैं कॉमा जैसे ही देता हूं वो मुझसे पूछता है कहां से ढूंढना है। कौन से क्लियर? सबसे पहले पूछ रहा था क्या ढूंढना है, उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कहां से ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पूरे नाम है ना, ये इसको टेबल एरे कहा जाता है, ये पूरे के पूरे नाम, ठीक है, मैं सिलेक्ट करके दे दूंगा कि यहां से जाके क्या ढूंढो, वह वैल्यू ढूंढो, सही है। और वैल्यू ढूंढने के बाद आपको कुछ और चीज भी बतानी है इसको, क्या, कॉमा, ठीक है। मैं ऑप्टेन नंबर्स भी बाद में मालूम करता हूं, अभी हम परसेंटेज ही मालूम कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो हम क्या मालूम कर रहे हैं, इसका नाम मालूम कर रहे हैं और कहां से मालूम कर रहे हैं, इस पूरे टेबल एरे से। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसका कॉलम इंडेक्स। अब ये बात समझने की है, सबसे पहले आपने इसको क्या दिया कि इस सेल के अंदर जो लिखेंगे वो ढूंढना है, फिर आपने दिया कि कहां से ढूंढना है, तो पूरी टेबल आपने सिलेक्ट करके दे दी विथ हेडिंग्स, है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉलम इंडेक्स, यानी इस पूरी टेबल से कौन से कॉलम की वैल्यू दिखानी है। तो पहले नंबर पे जो कॉलम है वो कौन सा, स्टूडेंट का नाम, दूसरे पे सब्जेक्ट वन, तीसरा सब्जेक्ट थ्री, चौथा सब्जेक्ट थ्री, पांचवा सब्जेक्ट
फोर, छठा ऑप्टेन मार्क्स, सातवां टोटल मार्क्स, आठवां परसेंटेज। तो हम क्या बताएंगे इसको कि जो आठवें कॉलम में इस नाम की या इस दी गई वैल्यू की जो भी क्या है वैल्यू है वो परसेंटेज है, वो मुझे दे दो। सही। और लास्ट इस फार्मूले के अंदर जो चौथी चीज है वो ये है कि वो उस नाम की एग्जैक्ट स्पेलिंग हो या उससे मिलती जुलती स्पेलिंग हो तो वो वैल्यू आ जाए। तो एक होता है एप्रोक्सीमेट मैच और दूसरा होता है एग्जैक्ट मैच। होता है ना कि एग्जैक्ट वही लिखे तो वही ढूंढना, तो हम इसको बोलेंगे हम एग्जैक्ट ढूंढना चाहते हैं। क्या ढूंढना चाहते हैं? एग्जैक्ट यानी फॉल्स से देंगे, फिर आपने कवर करना है और एंटर कर देना है। अब मैं इसके सामने कुछ भी नहीं लिख रहा, इसको डिलीट कर देता हूं। मैं यहां पे कोई भी नाम लिखूंगा उसकी यहां पे क्या आ जाएगी बेटा? परसेंटेज आ जाएगी। मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल, मैं लिख देता हूं आयशा, तो क्या आ रहा है? आयशा की कितनी परसेंटेज है? 50.4। आप यहां पे आ जाओ, आयशा स्टूडेंट है, इसकी कितनी परसेंटेज है? 50.4। इसी तरह से सपोज आजम है या नीचे आपके जो स्टूडेंट है, सपोज रजीन है, मैं लिख देता हूं रजीन, तो देखें रजीन की कितनी परसेंटेज है? ये रजीन रहा, इसकी परसेंटेज कितनी रही? कौन से क्लियर है? इसी तरह से इनकी ऑप्टेन मार्क्स मालूम करनी है तो सेम तरह से आपको फॉर्मूला लगा देना। कैसे लगाएंगे? इज इक्वल टू वी लुक अप, वर्टिकली लुकअप करो, क्या लुकअप करना है? इसी रजीन की वैल्यू यानी इस नाम की वैल्यू है ना, और कामा देके कहां से ढूंढनी है आप बताएंगे इस पूरी। हाँ, क्योंकि हमारे पास वो जो रजीन का नाम लिखा हुआ है वो एल कॉलम के सेकंड रो में, कौन से क्लियर है? तो एक्चुअल में वैल्यू नहीं, वो आपको कॉलम या उस सेल की एड्रेस बताएगा। सेट है इस तरह से, क्योंकि अभी तो रजीन है, कल को कोई और वैल्यू आ सकती है ना। ठीक है, तो आप समझ लें कि एड्रेस तो घर का वही रहेगा ना, कि फर्द आगे पीछे होते रहे तो उनसे कोई इसका वास्ता नहीं है। इसी तरह से सेल की लोकेशन तो वही रहनी है, वैल्यू उसमें कभी कुछ हो सकती है। सेट है? तो हम वैल्यू पे नहीं, सेल की एड्रेस या सेल के नाम पे डिपेंड करते हैं। सेट है? कॉमा देते हैं। उसके बाद कॉलम इंडेक्स, आपने इसका क्या दिखाना है इस पूरी टेबल से? तो हम उसका आठवां कॉलम यानी परसेंटेज दिखा रहे थे, इसका छठा कॉलम ऑप्टेन। कौन सा क्लियर है? अगर आप इसके सब्जेक्ट फोर की मार्क्स दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं बेटा, है ना। तो उस तरह का कॉलम का नंबर दे देना है। मैं इसको बता रहा हूं छठा कॉलम यानी उसकी ऑप्टेन मार्क्स मुझे दिखा दो, और एग्जैक्ट रजीन ही ढूंढना है, रजीन से आगे या पीछे या कुछ उससे मिलता जुलता नाम नहीं ढूंढना, एग्जैक्ट रजीन की स्पेलिंग को देके आपने वो चीज ढूंढनी है। तो फॉल्स बता देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखें ऑप्टेन मार्क्स जो रजीन की है वो कितनी है आप देख लें, 316। सेट है। इसी तरह से सपोज आजम है, इसी स्टूडेंट की आप देख लो ऑप्टेन मार्क्स कितनी है बेटा, 247, और परसेंटेज कितनी है? 49.4। मैं यहां पे आगे लिखता हूं आजम, तो ए जेड ए एम, तो आपको बता रहा है उसकी ऑप्टेन मार्क्स ये है, उसकी परसेंटेज ये है। हाँ, क्योंकि हमने उसको पूरी टेबल दे दी है ना, कि यहां पे जो भी वैल्यू होगी इस पूरी टेबल से ढूंढनी है। सही है। अच्छा, ये याद रहे कि जो आपने पूरा टेबल सिलेक्ट किया है, कल को आप नीचे जाके जो नाम लिखेंगे उन पे फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। सेट है। तो जब आप उसको एरिया बताएंगे ना यहां से ढूंढना है, वो पूरा एरिया आपको नीचे तक सिलेक्ट करके देना पड़ेगा। यानी अगर मैं यहां पे कोई नाम लिख देता हूं अली, और अली को यहां पे आके मैंने कोई भी नंबर दे दिए, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं। सही है, ऊपर कोई अली नहीं है? नहीं है। अगर मैं इसको बोलूंगा ना अली, तो ये बोलेगा नॉट अवेलेबल, क्योंकि आपने जो नंबर ऑफ सेल सिलेक्ट किए थे या वो रेंज सिलेक्ट की थी उसमें अली का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम किसी भी तरह की जो सर्चिंग होती है वो अकम्प्लिश कर लेते हैं बाय यूजिंग वी लुकअप।
सेट है, ठीक है जी।